दोस्तों, रामानंद सागर द्वारा लाया गया रामायण हिंदी मनोरंजन जगत में सफलतम धारावाहिकों में से एक है। इसके कलाकारों से लेकर इसका निर्देशन सब कुछ दर्शकों को मानो मंत्रमुग्ध कर गया था। रामायण का इतना सुंदर चित्रण करने वाले इस धारावाहिक को और भी खास बनाया उन कलाकारों ने जिन्होंने पूरी शिद्दत से रामायण के हर पात्र को निभाया था। इनमें सबसे प्रमुख रहे राम, सीता और लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले कलाकार। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो उन्हीं कलाकारों में से एक माँ सीता का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री दीपिका चिखलिया के जीवन पर आधारित है। आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे उनके पारिवारिक एवं प्रारंभिक जीवन के बारे में। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक देखें। दीपिका का जन्म 29 अप्रैल 1965 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिता का नाम राजेश चिखलिया था। इनकी माता का नाम पब्लिक डोमेन में ज्ञात नहीं है। दीपिका के एक भाई और एक बहन भी है। भाई का नाम हिमांशु चिखलिया है और बहन का नाम आरती चिखलिया। इनके अलावा उनके परिवार में और किसी ने भी अभिनय जगत में किस्मत नहीं आजमाई है। बात करें दीपिका के शादीशुदा जीवन की, उनकी शादी बिजनेसमैन हेमंत टोपीवाला से 22 नवंबर सन 1991 में हुई थी। हेमंत दीपिका के फैमिली फ्रेंड के बेटे थे। हेमंत के पिता भीखू भाई टोपीवाला श्रृंगार बिंदी और कॉस्मेटिक्स कंपनी के मालिक थे। शादी से पहले भी दीपिका और हेमंत की मुलाकात हो चुकी थी। शादी के बाद दीपिका के दो बच्चे भी हुए। उनकी दो बेटियां हैं जिनका नाम निधि टोपीवाला और जूही टोपीवाला है। बड़ी बेटी निधि शादीशुदा है और वो एक मेकअप आर्टिस्ट भी है। छोटी बेटी जूही अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है। दीपिका अक्सर अपनी फैमिली फोटोज अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करती रहती हैं। दोस्तों, ये थी मशहूर अभिनेत्री दीपिका चिखलिया के पारिवारिक जीवन से जुड़ी जानकारी। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। शुक्रिया।